तो क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां ट्रेन गुजरते ही बिजली चली जाती है और यात्री भी कांपने लगते हैं। आखिर उस स्टेशन पर ऐसा क्यों होता है, जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो इस स्टेशन का पूरा मामला जानते हैं इस वीडियो में। उससे पहले वीडियो को एक लाइक करके द ट्रेन फैक्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, भारतीय रेलवे के काफी स्टेशनों पर कुछ न कुछ अजीबो गरीबो चीजें देखने और सुनने को मिलता रहता है। ऐसे में एक स्टेशन के बारे में आपके सामने लेकर आया हूं, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे आखिर यहां पर ऐसा क्यों होता है। दरअसल हम जिस स्टेशन की बात कर रहे हैं वह जगह तमिलनाडु में है, जो कि चेन्नई के तंबाराम रेलवे स्टेशन के पास पहुंचते ही सभी लोकल ट्रेन की बिजली अपने आप ही कट जाती है, जिसे देखकर लोग भी हैरान हो जाते हैं। लेकिन यहां से गुजरने वाली सुपर फास्ट और एक्सप्रेस ट्रेन की बिजली नहीं कटती है, यानी कि यहां से जितने भी लोकल ट्रेन गुजरती है उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है। रेलवे के मुताबिक तंबाराम के पास रेल लाइन एक छोटे से हिस्से में करंट नहीं पहुँच पाता, इसलिए वहाँ सभी लोकल ट्रेनों की लाइट अपने आप कट जाती है। क्योंकि वहाँ बिजली जोन नहीं है, इसलिए इस जगह को रेलवे ने नेचुरल क्षेत्र जोन घोषित कर दिया है। आपके मन में सवाल जरूर आया होगा कि आखिर लोकल ट्रेन के साथ ऐसा क्यों होता है। तो आपको बता दें कि लोकल ट्रेन में बिजली की सप्लाई ड्राइवर के केबिन से की जाती है, क्योंकि ड्राइवर केबिन में पावर सिस्टम लगा होता है और बिजली खींचकर वो पूरी ट्रेन में सप्लाई करता है। जबकि सुपर फास्ट और एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन के डिब्बे में बिजली की सप्लाई व्यवस्था अलग होती है। क्या इस रेलवे स्टेशन के बारे में यह जानकारी आपको पहले से मालूम था? कमेंट में यस या नो लिखकर जरूर बताना।